गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वॉल्यूम आ रही है ना मेरी? यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने हमारा जो चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, कि प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ रहे थे, और उस चैप्टर में हमने क्वेश्चन आंसर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम उस पूरे चैप्टर को एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे, यानी उस चैप्टर का माइंड मैप पढ़ेंगे। माइंड मैप को हम जानते हो ना कि हमने शुरू से लेकर एंडिंग तक उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़े और उन टॉपिकों का क्या क्या बेस था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, क्योंकि अगर आज क्लास ले ली ना तो आप लोगों का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा शुरू से लेकर एंडिंग तक, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर में बात की थी किसकी? रिप्रोडक्शन की। और रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है? क्या होता है जनन का मीन्स? जनन का मीन्स होता है प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन, यानी जनन के दौरान एक नई संतति की उत्पत्ति होती है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ राइट करोगे, मेरे साथ साथ आप लोग भी राइट करना है, ठीक है सबको। तो लिखो इसकी डेफिनेशन, प्रोड्यूस प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर देम आर नोन एज रिप्रोडक्शन। ये है इसकी डेफिनेशन, यानी जनन के दौरान एक नई संतति की उत्पत्ति होती है जिसको हम कहते हैं जनन, ठीक है। जनन बेसिकली कितने प्रकार का होता है? जनन कितने प्रकार का होता है? जनन दो प्रकार का होता है। हम बात करते हैं, फर्स्ट बात करते हैं हम लोग असेक्सुअल, ठीक है। इसके बाद इधर बात करते हैं, सेकंड होता है हमारा सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है? क्या होती है या नहीं? इसमें कोई गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर हमें लैंगिक जनन करवाना है तो इसके लिए मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों गैमेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसमें जो डेफिनेशन होगी इसकी वो हम लोग बोल सकते हैं, प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल। क्या बोल सकते हैं गैमेट्स, ठीक है। देखो बहुत इजी है,
एसेक्सुअल का मींस होता है अलैंगिक जनन, इसको बोलते हैं हम लोग जनन। और जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और ये होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मींस होता है कि प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स, जो भी नई संतति उत्पन्न होती है वो एक सिंगल से पेरेंट्स होती हैं, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल। इसमें कोई सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी इसमें कोई गैमेट्स नहीं पाए जाते। और हमारे गैमेट्स हम लोग जानते हैं कि मेल गैमेट्स होते हैं एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, लेकिन इस जनन के दौरान कोई गैमेट्स नहीं होते। समझ में आ रहा है तनिषा, हितेश? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन होगी प्रोडक्शन या प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द फॉर्मेशन फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, सेक्सुअल का मींस होता है कि अगर हमें लैंगिक जनन करवाना है तो इसके लिए हमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन करवाना पड़ता है। ये तो था हमारा बेसिक कि रिप्रोडक्शन होता है उसमें एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। और बात करते हैं किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल में तो हमें पता है कि दो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स, इतना ध्यान रखना बस आप, और फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स की अगर मैं बात करूं तो मेल गैमेट्स के अंदर हमारे आते हैं स्टेमन, स्टेमन जिनको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर पुंकेसर, और इसके अंदर फीमेल के अंदर आते हैं पिस्टिल। ठीक है, ओनली, और कुछ भी याद नहीं करना, इतना सा याद करना है आप लोगों को कि सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन के दौरान जो नई संतति उत्पन्न होती है उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों का फ्यूजन होता है। ठीक है, और मेल गैमेट्स होते हैं स्टेमन और फीमेल गैमेट्स होते हैं हमारे पिस्टिल। ये तो था सेक्सुअल, ये तो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। लेकिन मैं बात करती हूँ किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी लैंगिक जनन की बात करती हूँ। तो अलैंगिक जनन हम विभिन्न प्रोसेस या विभिन्न मेथड के द्वारा करवा सकते हैं। बताओ कौन कौन से मेथड थे वो, किसी भी एक दो मेथड के नाम बताओ मुझे कि हम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं उनमें कौन कौन से मेथड थे। आपकी क्लास से कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आता, सिक्स क्लास से हर बच्चे रेस्पॉन्स देते हैं। देखो कोई बात नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग। हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हम, एक तो होता है हमारा बडिंग प्रोसेस, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं मुकुलन, कि किस प्रकार से मुकुलन के द्वारा हम क्या करवा सकते हैं, एक न्यू संतति प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बडिंग मेथड होता है वो यूनिसेलुलर, जो भी सेल्स होती है, जो बडिंग होता है वो होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर सेल्स के अंदर
और फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इसके अंदर ईस्ट के अंदर, ठीक है। फर्स्ट मेथड तो हमारा होता है बर्डिंग। इसके बाद सेकंड मेथड की बात करती हूँ। सेकंड मेथड हमारा बाइनरी फ्यूजन मेथड। बाइनरी फ्यूजन मेथड के अंदर वो ही बात करते हैं हम लोग, ये भी क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और इसमें अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल होता है इसमें बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद इसका जो थर्ड मेथड है उसकी अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। जिसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं स्पाइरो, स्पाइरो गायरा। इस स्पाइरो गायरा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो फ्रेगमेंटेशन मेथड है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद हम फोर मेथड की बात करते हैं। फोर है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और प्रोपोगेशन के अंदर क्या होता है, हम इस मेथड को दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड होता हमारा नेचुरल मेथड, ठीक है। और सेकंड मेथड की हम बात करते हैं, सेकंड होता है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड का मींस होता है, इस मेथड का मींस होता है कि प्लांट की स्टेम से, प्लांट की रूट से एंड ठीक है, इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ये मेथड है नेचुरल मेथड, इसमें प्लांट की स्टेम से, प्लांट की रूट से एंड प्लांट की लिप से क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो इस मेथड के अंदर हम लेते हैं बाय रूट, यानी रूट के द्वारा, बाय स्टेम एंड बाय लीफ। इन तीनों पार्ट के द्वारा हम लोग क्या करवाते हैं, एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। तो ये तो था हमारा नेचुरल मेथड। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आर्टिफिशियल मेथड की। और आर्टिफिशियल मेथड के अंदर हम लेते हैं लेयरिंग, कटिंग एंड बर्डिंग। ये तीनों चारों मेथड है, इन्हीं मेथड के द्वारा हम लोग क्या करवाते हैं, एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। तो ये तो क्या था हमारे प्लांट्स के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन। एक बार देखो, जनन का मींस होता है कि प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी एक नई संतति का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, ठीक है। एक नई संतति का उत्पन्न होना जनन कहलाता है। जनन बेसिकली दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। सेक्सुअल का मींस होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और मेल गैमेट्स क्या होता है, हमारा स्टेमन होता है,
और फीमेल गैमेट्स होता है हमारा पिस्टिल। ये तो था सेक्सुअल, जो हम एक फ्लोवर के अंदर हम देखे थे कि एक फ्लोवर के अंदर विभिन्न पार्ट होते हैं, क्या क्या होते थे, पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, ओवेरी होती है, ओव्यूल होते हैं, स्टेमन होता है, फिलामेंट होता है, ठीक है, ये सारे किसके पार्ट है, फ्लोवर के पार्ट है। लेकिन एक अगर हमें न्यू प्लांट फॉर्मेशन करनी है तो ये दोनों पार्ट्स का होना रिक्वायर्ड यानी कंपल्सरी है, क्योंकि स्टेमन और पिस्टिल का जब आपस में फ्यूजन होगा तो एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन होती है। इसके बाद सेकंड पार्ट हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यानी अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन की हम बात करते हैं तो अलैंगिक जनन का मीन्स होता है कि प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स, कि इसके अंदर एक सिंगल पेरेंट्स होती है और ना ही उस सेल के पास क्या होते हैं, कोई सेक्स सेल होती है। यानी अगर हमें अलैंगिक जनन करवाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ना तो मेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना ही फीमेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन करवाने के लिए हमें कोई गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इसके बाद ये तो था हमारा बेसिक, इसके बाद हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें अगर गैमेट्स नहीं है तो मेथड तो यूज कर ही सकते हैं ना, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिफरेंट मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो बडिंग यानी मुकुलन, कि मुकुलन के द्वारा हम एक न्यू प्लांट्स या न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे हमारा मेथड था मुकुलन बडिंग, ये एक यूनिसेलुलर सेल होती है और इसमें हम बात करते हैं ईस्ट सेल की, इसमें एक ईस्ट सेल होती है इस प्रकार की और इसमें छोटा सा बड़ निकला हुआ होता है। जैसे जैसे ये प्रोसेस होगा ये अलग अलग सेल की निर्माण करेगी और ये दो सेल की फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये तो होता है किसके अंदर, बडिंग के अंदर, ठीक है, कि बडिंग के अंदर ये बडिंग एक यूनिसेलुलर सेल होती है और ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है और इसमें हम फॉर एग्जांपल देखते हैं ईस्ट सेल, और ये सेल डिविजन करके एक न्यू संतति या न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सेकंड बाइनरी फ्यूजन मेथड, और बाइनरी फ्यूजन मेथड क्या होता है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और इसके अंदर हम देखते हैं बैक्टीरिया के अंदर कि इसमें एक सिंगल सेल क्या करती है, दो डॉटर सेल का निर्माण करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई बैक्टीरियाई सेल है, ठीक है, ये डिवीजन करेगी ऐसे, इस प्रकार से डिवाइड होगी, फिर अलग अलग, फिर ये अलग अलग दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और इस प्रकार से ये दो डॉटर सेल का निर्माण करती है। तो ये कौन सा प्रोसेस है हमारा, सेकंड बाइनरी फ्यूजन मेथड। नाम से स्पष्ट हो रहा है बाइनरी यानी एक सिंगल सेल जब फर्दर डिवाइड होती है तो दो सेल की फॉर्मेशन करती है और दोनों सेल यानी उनको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स, और एग्जांपल बैक्टीरिया। इसके बाद थर्ड हमारा है कौन सा, फ्रेगमेंटेशन, और इसमें हम एग्जांपल लेते हैं स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा की सेल इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है, इनमें यहाँ से फ्रेगमेंटेशन होता है और एक न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद में बात करती हूँ फोर स्पोर फॉर्मेशन, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू संतति प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट इम्पोर्टेंट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं वनस्पति प्रचार, और इस वनस्पति प्रचार के द्वारा हम क्या करते हैं, एक न्यू संतति प्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें दो मेथड होते हैं। एक होता है नेचुरल मेथड जो हम लोग फॉलो करते हैं ना, वो बताऊंगी अभी कैसे करते हैं। सेकंड होता है आर्टिफिशियल मेथड। अगर मैं बात करती हूँ नेचुरल मेथड की,
तो नेचुरल मेथड के अंदर क्या होता है, इस मेथड में हम बाई स्टेम, बाई रूट और बाई लीफ प्लांट के तीनों पार्ट्स के द्वारा हम क्या करवा सकते हैं, एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। कैसे, अगर हमें रूट से तो प्लांट की रूट को दूसरी जगह लगा दो, उससे भी न्यू प्लांट फॉर्मेशन। प्लांट की स्टेम की बात करते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम को भी अगर हम सोयल के अंदर लगाते हैं तो एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन होते हैं, जैसे रोज का प्लांट। इसके अलावा कुछ प्लांट्स की लीफ यानी स्टेम ऐसी होती है जिनको अगर हम लगा दें, जैसे बेल वाला जो प्लांट है, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स की रूट, कुछ प्लांट की स्टेम एंड कुछ प्लांट्स की हम बात करते हैं लीफ, उनसे हम क्या करवा सकते हैं, एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा वेजिटेटिव में नेचुरल मेथड। इसके बाद आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में एक तो होता है लेयरिंग, कि प्लांट को बिना जड़ों से अलग किए उस प्लांट को कैसे भी खींच के आप सोयल के अंदर दबा दो, तो उससे क्या है, वो प्लांट सोयल के अंदर ग्रो करेगा, ठीक है। तो लेयरिंग मेथड के द्वारा या कटिंग मेथड के द्वारा भी हम क्या करवा सकते हैं, एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। कितने समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Okay, ठीक है। ये तो था हमारा रिप्रोडक्शन। इसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। और टाइप ऑफ फ्लावर्स में हमने पढ़ा था किसके बारे में, कि फ्लावर्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मींस होता है कि ऐसे फ्लावर जिनमें या तो मेल गैमेट्स पाया जाता हो या फिर फीमेल गैमेट्स पाया जाता हो, ठीक है, वो तो क्या कहलाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि का मींस होता है जिसमें ओनली एक ही गैमेट्स पाया जाता हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्लावर बेसिकली हमारे दो होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, सेकंड होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनि का मींस होता है वन जिसमें या तो मेल गैमेट्स हो या फिर हम बात कर सकते हैं या फिर फीमेल गैमेट्स हो, या तो मेल गैमेट्स प्रेजेंट हो या फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट हो, वो तो कहलाता हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की, तो बाइसेक्सुअल का मींस होता है जिसमें दोनों गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी मेल गैमेट्स भी प्रेजेंट हो और फीमेल गैमेट्स भी प्रेजेंट हो। तो बेसिकली फ्लावर्स दो प्रकार के होते हैं, यूनि एंड बाइसेक्सुअल। यूनि दैट मींस जिसमें एक ही गैमेट्स प्रेजेंट हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करती हूँ कि ऐसा फ्लावर जिसमें दो गैमेट्स प्रेजेंट हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाता है। ये तो क्या था हमारा फ्लावर्स के बारे में। इसके बाद हमने पढ़ा पोलिनेशन के बारे में, एक टॉपिक और था हमारा, हम बात करते हैं किसकी, पोलिनेशन की। और पोलिनेशन क्या होता है, परपरागण, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं परपरागण। और पोलिनेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पोलिनेशन में हम एक फ्लावर के स्टेमन को उठाकर उस फ्लावर के स्टिग्मा पर या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या करवा देते हैं, ट्रांसफर करवा देते हैं। तो इसमें जो मेन जो कार्य होता है वो होता है स्टेमन ट्रांसफर टू स्टिग्मा। और ये दो प्रकार का होता है, सेल्फ होता है एक तो, और सेकंड होता है क्रॉस। सेल्फ पोलिनेशन का मींस होता है, सेल्फ का मींस होता है कि ऐसा परागण जिसके अंदर, ऐसा पर परागण जिसके अंदर ओनली एक ही फ्लावर होता है, और उसी फ्लावर के स्टेमन को उठाकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या कर दिया हमने, ट्रांसफर करवा दिया।
यानी इसमें एक फ्लोवर की रिक्वायरमेंट होती है और स्टेमन को उसी की स्टिग्मा पर ट्रांसफर करवाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रॉस पोलिनेशन की, तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, इस फ्लोवर के अंदर इस पोलिनेशन के अंदर हमें टू फ्लावर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और टू फ्लावर्स मीन्स एक प्लांट के स्टेमन और दूसरे प्लांट का स्टिग्मा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। यानी हमारे पास दो फ्लावर है, और एक के स्टेमन को उठाकर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर अगर हमने ट्रांसफर करवा दिया, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो वो क्या था हमारा, क्रॉस पोलिनेशन। तो पोलिनेशन बेसिकली दो प्रकार का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ का मीन्स होता है जिसमें वन फ्लावर्स होते हैं, और वन फ्लावर्स के अंदर उसी के स्टेमन को उठाकर उसी के स्टिग्मा पर क्या करवा देते हैं, ट्रांसफर करवा देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रॉस पोलिनेशन की, तो क्रॉस पोलिनेशन में हम टू फ्लावर्स लेते हैं, लेकिन दोनों फ्लावर्स क्या होते हैं, सेम वेराइटी होते हैं। तो एक प्लांट के स्टेमन को उठाकर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर क्या करवा देते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं, जिसको हम लोग क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और था हमारा, फर्टिलाइजेशन। हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन का हिंदी मीन्स होता है निषेचन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन करवाते हैं, और फ्यूजन करवाने पे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और वो जाइगोट भी क्या करता है, एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन, आप लोगों को पूछे कि व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन, तो आप लोग बोलोगे कि मेल और फीमेल गैमेट्स का जब आपस में फ्यूजन होता है, संयोजन होता है, तो जाइगोट बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता है, जिससे क्या होता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट में फर्दर फ्यूजन होगा तो एक एम्ब्रियो बनेगा, और उसी एम्ब्रियो के अंदर एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन होती है। तो इस प्रोसेस के द्वारा भी हम क्या करवा सकते हैं, एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो ये था हमारे पूरे चैप्टर का मोड की रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल असेक्सुअल। असेक्सुअल में बाइडिंग, बाइनरी, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, नेचुरल में बाय रूट्स, बाय स्टेम एंड बाय लीफ। जबकि हम बात करते हैं किसकी, आर्टिफिशियल मेथड की, इसमें कटिंग और लेयरिंग की। कटिंग और लेयरिंग के द्वारा भी हम क्या करवा सकते हैं कि न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मीन्स होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं, एक न्यू संतति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फ्लावर्स की। फ्लावर्स दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिका मीन्स होता है कि ऐसा फ्लावर जिसमें ओनली वन गैमेट्स प्रेजेंट हो, चाहे वो मेल हो चाहे से फीमेल हो, ठीक है, उसको तो बोलते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन अगर मैं बात करूँ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर टू गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, और जिसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी कहते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक था पोलिनेशन। कि पोलिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेमन को, जो पोलन ग्रेन्स में जो स्टेमन्स होते हैं, उनको ट्रांसफर करवाते हैं किस पे, स्टिग्मा पे। अगर सेम प्लांट, एक ही प्लांट पे ये प्रोसेस हो तो उसको सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। अगर ये प्रोसेस दो प्लांट पे हो सेम फ्लोवर पे, यानी हमने दो फ्लोवर लिए हैं वो भी सेम वेराइटी के, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस पोलिनेशन। कुछ पूछना है स्टूडेंट्स? नो मैम। समझ में आ गए तेज? मैम आ गया, बट ये जो नाम है ना, ये थोड़े बड़े बड़े, इनको याद करना थोड़ा मुश्किल है। क्या बोल रही तेज? नाम थोड़े, ये नाम बड़े बड़े हैं बहुत ज्यादा। पता नहीं क्या बोल रही तेज। अरे ये नाम है ना, ये बड़े बड़े हैं।